दोस्तों गर्मियों में लौकी की खेती करके और 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आराम से लिया जा सकता है 3-4 महीने के अंदर। लेकिन काफी किसान भाइयों की एक विचारधारा और भी है कि भाई लौकी के मंडी भाव काफी डाउन रहते हैं, 5-6 रुपए केजी से ऊपर बिकते नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लौकी की खेती अगर सीजन के हिसाब से सही समय पर की जाए, थोड़ी सी लेट अगर इसकी खेती की जाए गर्मियों में, तो आने वाले दिनों में लौकी के भी आपको मंडी भाव 20 से 25 रुपए केजी तक के आराम से मिल जाते हैं। और इतने मंडी भाव आपको तरबूज और खरबूजे की फसल से भी नहीं मिलते हैं। तरबूज से उत्पादन भी इसका कम नहीं रहता है, यानी कि लौकी का उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाता है। लौकी की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। लौकी को लगाने का सही समय कौन सा है, कौन से समय पर लगाएंगे तो इसका मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेगा, लगाने के सही तरीकों के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही दोस्तों लौकी की बेस्ट वैरायटियों के बारे में भी यहां पर हम बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि लौकी को लगाने का सही समय कौन सा है। तो भाई अगर आपको लौकी का उत्पादन गर्मियों में लेना है तो इसकी खेती आप नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और फरवरी माह तक कभी भी आप लौकी लगा सकते हैं, और उसके बाद में मार्च और अप्रैल माह में भी आप लौकी की पछेती बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप बारिश में लौकी लगाना चाहते हैं तो जून माह से लेकर और जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में आप कभी भी लौकी की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ किसान भाई सितंबर माह में भी लगाते हैं, अक्टूबर में भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे एरिया में जिनमें पाले वगैरह नहीं गिरते हैं वहाँ पर आप जो है अगस्त के बाद में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एरिया में जैसे जहाँ पर सर्दियाँ वगैरह ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पर अगर सितंबर और अक्टूबर माह में आप इसको लगाते हैं तो उत्पादन इसका थोड़े समय तक ही आपको मिलेगा, लंबे समय तक उत्पादन नहीं मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर बाद में काफी डाउन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्च और अप्रैल माह में लौकी लगाना चाहते हैं और जमीनें अगर आपके पास खाली पड़ी हैं तो फिलहाल आपके पास बिल्कुल सही चांस है, सही मौका है। फिलहाल अगर आप लौकी लगाएंगे तो इस लौकी के आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। मैं तो कहूंगा कि मार्च में भी नहीं, आप या तो मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर आप अप्रैल के जो है पहले सप्ताह में लगाएंगे, तब आपको और भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि जब अगर आप थोड़ी लेट लगाएंगे, जितना ज़्यादा लेट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको और उतने ही ज़्यादा आपको मंडी भाव मिलेंगे। आपको भी पता है कि गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं, जब आपकी लौकी हार्वेस्टिंग पर आएगी उस समय मार्केट में सब्जियाँ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, नाम मात्र की 1-2 सब्जियाँ होती हैं, बाकी ज़्यादा सब्जियाँ जो है उस समय पर नहीं होती है। और उस समय आपको लौकी के जो मंडी भाव हैं वो काफी शानदार मिल जाएंगे, कम से कम 20 से 25 रुपए केजी तक के आपको लौकी के मंडी भाव मिल सकते हैं और बारिश के बाद तक आपको उत्पादन देती रहेगी। लेकिन अगर आप अप्रैल माह में लौकी लगाएंगे तो इसका उत्पादन आपको लंबे समय तक मिलेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। अप्रैल में अगर आप लौकी लगाते हैं तो इसका उत्पादन आपको लगभग अगस्त और सितंबर तक मिलता रहेगा और उस समय काफी शानदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन भाई अगर आप अभी लौकी लगाते हैं तो इसका उत्पादन आपको थोड़ा लेट मिलना शुरू होगा, क्योंकि अगर आप अभी लौकी लगाएंगे और उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लू वगैरह भी चलने शुरू हो जाएंगे, तो उस समय लौकी में जो है ठीक से फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा। तो आप इसकी खेती अप्रैल में करेंगे और जब आपकी लौकी में फ्रूटिंग शुरू होगी उस समय तक मानसून शुरू हो चुका होगा और टेम्परेचर काफी थोड़े बहुत मतलब जो है वापस डाउन होने शुरू हो जाते हैं उस समय, उस समय पर आपकी लौकी में जो है फ्रूटिंग भी काफी शानदार आएगी और उत्पादन भी उसके बाद में आपको काफी शानदार मिलेगा और उसके बाद में आपको मुनाफा भी लौकी की खेती से काफी शानदार मिल सकता है। तो ये तो हो गई लौकी की खेती करने के सही समय की बात। अब बात करते हैं अगर आप गर्मियों में या बारिश के दिनों में लौकी की खेती कर रहे हैं, लौकी की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। क्योंकि अभी आप लौकी लगाएंगे, अगर अप्रैल में लौकी लगाएंगे या मार्च में लौकी लगाएंगे तो आपकी लौकी गर्मियों में भी चलेगी और बारिश के दिनों में भी आपको लौकी से उत्पादन लेना है। तो बारिश के दिनों में आपको लौकी की खेती किस तरह से करनी है, इसी हिसाब से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। सबसे पहले अगर जमीन की तैयारियों के बारे में बात करें तो अगर आपके पास जमीन खाली हो चुकी है, पुरानी फसलों की कटाई अगर हो
चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि अगर आप अप्रैल में लौकी लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपकी ज़मीन जो है वो जल्द ही खाली हो जाएंगी, क्योंकि बाकी जो फसलें हैं वो इस समय हार्वेस्टिंग पे होने वाली हैं। तो अगर आपकी जैसे ही ज़मीन खाली होती है उस समय सबसे पहले आपको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी है। तोता पलाऊ या मोर पलाऊ या डिस्क पलाऊ जो होते हैं, जो जिनसे गहरी जुताई होती है, एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देनी है और उसके बाद में 5 से 6 दिन तक आपको अपनी ज़मीन को पड़ा रहने देना है, ताकि ज़मीन के अंदर निमातोड़ और फंगस जैसी बीमारियाँ अगर पहले से पड़ी हैं, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी दिनों से ज़मीन की सिंचाई हो रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस समय पर आपकी ज़मीन में फंगस और निमातोड़ जैसी समस्याएं आ सकती हैं अगर आप धूप में उसको कल्टीवेशन करके और 5-6 दिन तक पड़ा नहीं रहने देते हैं। तो जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले गहरी जुताई करके और लगभग 8-10 दिन तक जमीन को धूप में पड़ा रहने दें। उसके 8-10 दिन बाद में आप जो है 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो आप अपने खेत में डाल दें। गोबर कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में डाल के आपको खाली नहीं छोड़ना है खेत को, क्योंकि जो खाद होती है वो आपकी सूख जाती है, नमी उसकी कम हो जाती है। तो तुरंत आपको गोबर की खाद डालने के बाद में तुरंत आपको दूसरे मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जो है वो जुताई कर देनी है। इस बार आपको गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है, गोबर की खाद या बेसल डोज डालने के बाद में आपको गहरी जुताई नहीं करनी है। तो हैरो या रोटावेटर से आप एक जुताई और करें और उसके बाद में बारी आती है बेसल डोज डालने की। बेसल डोज में आप 50 kg DAP काम में लें, 30 kg MOP पोटास काम में लें और 25 kg यूरिया काम में लें। तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और अपने खेत में छिड़काव विधि से जो है वो डाल दें। प्रति एकड़ के हिसाब से ये खुराक मैंने आपको बताई है। दोस्तों, हम चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, बारिश के दिनों में जड़ गलन और जो फंगस जैसी समस्या है ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यानी जड़ गलन की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब अधिक बारिश वगैरह होती है या लगातार मतलब मॉइस्चर वगैरह ज्यादा रहता है हवा में या 3-4 दिन तक लगातार बारिश वगैरह होती रहती है। तो इस तरह की समस्या हमें लौकी की फसल में देखने को ना मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, कार्बंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% जो साफ पाउडर आता है अपना UPL कंपनी का, ये आप ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो आपने खाद उर्वरकों का बेसल डोज तैयार किया है उन्हीं के अंदर मिक्स करके आपको अपने खेत में डाल देना है, ताकि बाद में आपको जब जड़ गलन वगैरह की समस्या अगर आपकी फसल में आती है बारिश के समय वो ना आए और बाद में आपको इस तरह के फंगिसाइड वगैरह के ड्रेंचिंग ना करनी पड़े, ज्यादा ड्रेंचिंग ना करनी पड़े, कि काफी कम चांस है ये फंगिसाइड अगर आप डाल देंगे बेसल डोज के साथ में तो बारिश के दिनों में आपको जड़ गलन और कोलर रोट जैसी समस्या है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। ये खुराक डालने के बाद में अपनी जमीन की आखिरी कल्टीवेशन आपको करना है। आखिरी कल्टीवेशन आप हैरो या रोटावेटर या कल्टीवेटर से कर सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। बेड बनाते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको गर्मियों में उत्पादन लेना है और साथ ही आपको बारिश के दिनों में भी उत्पादन लेना है। तो यहां पर आपको बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको ज्यादा रखनी है, कम से कम 7 से 8 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 से 8 फीट रखनी है और उसके बाद में प्लांट से प्लांट की दूरी हम जो है वो 1 फीट रखेंगे। तो इस तरह से आपको बेड बनाने हैं। और उसके बाद में बात करें अगर प्लास्टिक मल्च की, तो गर्मियों में आप चाहें तो प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। भाई, प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में अब आपको सीड शोविंग करनी है। और तो लौकी की जो सीड शोविंग होती है वो वैसे तो हम 1-1 फीट की दूरी पर ही करते हैं, क्योंकि हमें बारिश के दिनों में इसका उत्पादन लेना है और बारिश के दिनों में लौकी के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लताएं बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लौकी के बीजों की बुआई जो है वो 2-2 फीट की दूरी पर करनी है, कम से कम 2 फीट की दूरी आपको रखनी है अगर आप अप्रैल में इसकी खेती कर रहे हैं या फिर आप बारिश के दिनों में इसकी खेती कर रहे हैं। अगर जून माह में भी अगर आप लौकी लगा रहे हैं तब भी आपको 2-2 फीट की दूरी रखनी है। अदरवाइज अगर आप नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी माह में लगाते हैं तब तो आप 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बारिश के दिनों में कर रहे हैं तो आपको 2-2 फीट की दूरी पर सीड शोविंग करनी है। दोस्तों, बारिश के दिनों में आपकी लौकी की फसल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और फल की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छी मिले, इसके लिए आपको जो है लौकी की खेती बारिश के दिनों में मंडप विधि से करनी है, यानी कि तार बांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करनी है, यानी कि मंडप तैयार करना पड़ेगा अगर आप गर्मियों में या फिर बारिश के दिनों में इसकी खेती कर रहे हैं। अगर आपकी लौकी की लताएं जो है वो बारिश के दिनों में जमीन पर रहेंगी तो उस समय क्या होगा, ज्यादा बारिश होने की वजह से या मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से आपकी लताओं में और साथ ही फल में जो है सड़न वगैरह की दिक्कतें आ सकती हैं, फंगस वगैरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं।
हैं। तो इसके लिए आपको जब भी आप बारिश के दिनों में लौकी की खेती करें तो तार बांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा करेंगे तो आपकी लौकी की फसल में बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी और जो फल की क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी शानदार होगी। इसके चलते फल के जो मंडी भाव हैं वो आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे, यानी कि फल आपका एकदम चमकदार, आकर्षक और एकदम ग्रीन फल मिलेगा। लेकिन बारिश के दिनों में अगर आप जमीन पर इसकी खेती करेंगे तो फल की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, तो आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और ना ही आपकी फसल जो है वो हेल्दी रहेगी। तो इसके लिए आप तार बांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करेंगे तो आपको इसके और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अब बात करेंगे लौकी की उन्नतशील किस्मों के बारे में। यहां पर मैं आपको 4-5 लौकी की शानदार वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जिनको आप बारिश के दिनों में या फिर गर्मियों में कभी भी इनकी खेती कर सकते हैं, काफी अच्छा फल मिलेगा और उत्पादन भी इन सबसे आपको काफी शानदार मिलेगा। लेकिन भाई बाकी आप जो है इन वैरायटियों का जब भी सिलेक्शन करें अपने एरिया में अपनी मंडियों में इनकी डिमांड को देखते हुए और उसके बाद में इनका सिलेक्शन करें। तो नंबर एक पर आप जो है माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी इसका काफी अच्छा है और फल की क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है। नंबर दो पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका भी आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फल की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। और उसके बाद में धान्या कंपनी की महिमा वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी शानदार और गजब की वैरायटी है, फल की इसकी क्वालिटी है वो काफी शानदार है, काफी चमकदार और आकर्षक फल मिलेगा, मंडी में इसके फल की डिमांड काफी अच्छी देखी जाती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और इसका भी जो उत्पादन है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप नुमेंस कंपनी की अनोखी वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको 4 वैरायटियां बताई हैं, चारों वैरायटियां अच्छी वैरायटियां हैं लौकी की, अच्छा इनसे उत्पादन मिलेगा और अच्छे इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाती हैं या जिस वैरायटी की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है उस वैरायटी का आप सिलेक्शन करके लौकी की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं लौकी की खेती का ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।